स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह को दिए गए पद्मभूषण सम्मान को अपमान बताया, जिसको लेकर ट्विटर पर जंग छिड़ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलायम सिंह के लिए भारत रत्न से कम सम्मान को अपमान बताया, इसे केंद्र सरकार की साजिश करार दिया। सरकार ने नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी को पद्मभूषण का सम्मान देकर के उनके विशाल व्यक्तित्व, कृतित्व और देश के प्रति किए गए योगदान का मजाक उड़ाया है। नेताजी को यदि सम्मानित करना ही था तो भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित किया जाना चाहिए था। ऐसा न कर नेताजी के सम्मान का मजाक उड़ाया है, जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार का घटिया सोच को दर्शाता है। स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर दोनों विचारों के लोग ट्विटर पर जोरदारी से अपनी अपनी बातें रखने लगे। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, तो जो दिया वह सही दिया, तो दूसरे ने याद दिलाया कि कार सेवकों पर मुलायम सिंह ने हमला किया था। वहीं समर्थन में भी लोग आए और कहा कि मुलायम को भारत रत्न मिलना चाहिए। एक यूजर ने तो स्वामी प्रसाद मौर्य के 2016 के बयान को याद दिलाया, जब उन्होंने कहा था पिछड़ों को निगल रहे हैं मायम और मुलायम। तो वहीं 9 साल पहले के भी बयान को याद दिलाया गया, जिसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था मुलायम राजनीति के भूखे बेड़िए हैं। अंदर खाने की चर्चा के हिसाब से अखिलेश या उनका परिवार सम्मान स्वीकार करे या न करे, लेकिन सम्मान के इस राजनीतिक गांव पेच में एक ओर जहां राष्ट्रीय सम्मान का अपमान हो रहा है, तो वहीं राजनीतिक बयानबाजों को अच्छा अवसर दे दिया स्वामी प्रसाद ने। देखने वाला होगा कि सम्मान और बयान से यूपी की राजनीति कितनी गर्माती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर पोस्ट, लखनऊ।